सो आज कौन सा टूर्नामेंट होने वाला है उसके बारे में बताने वाला हूँ, और साथ में एक इंटरनेशनल स्क्रीम्स होने वाली है जिसमें अलग अलग कंट्री की टीम्स खेलने वाली है, वो बताऊंगा वो कौन सा है। पहले इसी के बारे में बात करें तो देख सकते हो ग्रुप डिवीजन सर्वाइवल स्टेज, मतलब एक इंटरनेशनल स्क्रीम्स बोल सकते हो जो कि यूट्यूब पर होगा, रूथलेस ई स्पोर्ट्स चैनल का नेम है, जिसमें देख सकते हो कौन कौन सी टीम है। बहुत सारी कंट्री की टीम है, ऑब्वियसली इंडिया नहीं क्योंकि ये पबजी मोबाइल का स्क्रीम्स है। सो वैम्पायर, नोवा ई स्पोर्ट्स मतलब पैराबॉय का टीम, स्टार वॉर्ड्स, फिर निगमा गैलेक्सी, मतलब जो भी यहाँ पे PMWI, PMGC, D+ किया भी है, तो भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी टीम्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट की है, तो वो लोग खेलने वाले हैं। ये ग्रुप ए है जिसका मैचेस 4 से 7 तक का होगा, मतलब आज से 7 तारीख तक। फिर उसके बाद ग्रुप बी देख सकते हो, बिगेट्रॉन, फेस क्लैन, टीम RRQ, मॉर्फ, फिर IHC जो कि PMGC की चैंपियन थी, और भी बहुत सारी टीम्स हैं जो यहाँ पे साउथ कोरिया की टीम हम लोग को इंडिया में आई थी, वो लोग भी यहाँ पे खेलने वाली है, मतलब अलग अलग कंट्री की टीम्स खेलने वाली है एक दूसरे के अगेंस्ट। ये शायद से एक बस प्रैक्टिस स्क्रीम्स है, तो आप लोग इन्जॉय कर सकते हो अगर आप लोग पबजी मोबाइल देखते हो तो। सो ये आप लोगों को शाम में 4:30 बजे रुथलेस ईस्पोर्ट्स का चैनल पे मिल जाएगा। खैर अभी बात करते हैं यहाँ पे इंडिया में जो BGMI का टूर्नामेंट है वो कौन सा होगा आज। तो अपथर्स ईस्पोर्ट्स का टूर्नामेंट चल रहा है, आपको पता है, जिसका आज भी फाइनल्स ही चलेगा। 2 दिन हो चुका है, 2 और 3, और आज है 4 तारीख, तो आज भी यहाँ पे होगा और कल तक फाइनल खत्म हो जाएगा। तो ये तो हो गया। फिर सेकेंड जो था TWOB का, तो कल Day 3 खत्म हो चुका है, देख सकते हो जिसका स्टैंडिंग्स, केमिन ई स्पोर्ट्स है और एरोवर्ट्स, NTT, फिर TT एंड ओमेगा, तो ओमेगा की टीम कमबैक किए है, Top 5 में आ चुके हैं। अभी 3 दिन बचा हुआ है, तो इसका प्राइस पूल आपको पता है 21 लाख का था। सो देख सकते हो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, तो अभी भी 3 दिन बचा हुआ है, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी कमेंट बताना। सो ये हो गया, आज दोनों टूर्नामेंट चलेगा। अब तो इसका चलेगा 12 बजे और जो TWOB है वो 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा। उसी के साथ हम लोग को स्क्रीन्स भी दिख जाएगा यूट्यूब पे, जिसे आपको पता है कल भी हुआ था और डेली हो रहा है, जो टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई फाइनल्स के लिए इस टूर्नामेंट सब में, तो वो लोग का स्क्रीन्स होगा। तो आप लोग यूट्यूब पे चेक करना 12 बजे के बाद, जो टीम्स यहाँ पे नहीं खेल रही होगी इस टूर्नामेंट तो वो स्क्रीन्स खेल रही होगी, तो आप लोग इन्जॉय कर पाओगे। सो यूट्यूब पे चेक कर लेना या फिर सर्च कर लेना BGMI स्क्रीन्स लाइव, अगर लाइव होगा तो मिल जाएगा। इसी के साथ बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं अभी भी ESL स्काई ई स्पोर्ट्स लीग वो कब होगा, तो कल मैंने आप लोग को इस ESL के बारे में बताया था, अगर आप लोग को जानना है कि कब होगा, कौन सी टीम्स खेल रही है क्वालिफायर्स में, तो चेक कर सकते हो, चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। और स्काई ई स्पोर्ट्स लीग का भी यहाँ पर जितना मुझे न्यूज़ मिला है तो वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है, और ऑफिशियल टूर्नामेंट का भी न्यूज़ आ चुका है, वो मार्च के बाद ही होगा, फरवरी के बाद तो पक्का ही है, बट मार्च में शायद अनाउंसमेंट आएगा, थोड़ा वेट कर लो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।